फिलहाल स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा दिशा की मौत के बाद परिजनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मृतका के परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर प्रताड़ित करने के साथ ही हत्या का भी आरोप लगाया है। अब परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसके अस्पताल की मोचड़ी के बाहर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी परिजनों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कल दोपहर में 12वीं कक्षा की छात्रा दिशा को हंसने पर स्कूल की टीचर ने प्रताड़ित करते हुए क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद छात्रा ने चौक की मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो आपको बता दें जहां पर मामला प्रदेश में सामने आया है, सीकर के एक्सीलेंस स्कूल का यह मामला, जहां पर 12वीं कक्षा की छात्रा दिशा की मौत के बाद परिजन बेहद गुस्से में हैं, आक्रोश जता रहे हैं और ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मृतका के परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर प्रताड़ित करने के साथ ही हत्या का भी आरोप लगाया है। तस्वीरें उस दौरान की जब आज दिन में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए परिजन नजर आ रहे थे। इसके साथ ही दोषी स्कूल से जुड़े हुए स्टाफ को गिरफ्तार करने की ये मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरह से जो इंसाफ की गुहार तो परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता को भी कार्रवाई का उसका बनता चुका। बाहर बुलाइए, वो हमें ब्रीफिंग तो करे आखिर में घटना क्या घटित हो गई, हमें ये तो मालूम पड़े क्या हो गया। खाली डांटने से हंस रही है बच्ची, प्रिंसिपल मैम ने डांट दिया, इतना बड़ा कदम कोई भी हालत में कोई भी नहीं उठा सकता। ये तो बच्ची थी जिस हाइट से वो कूदी है, वो इतनी ऊंची हाइट है, ये कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती। यहाँ न कोई पदाधिकारी आए हैं, न कोई कलेक्टर साहब आए हैं, कोई भी यहाँ हमारी वो नहीं लिया के पूछताछ नहीं की है कि क्या है क्या नहीं। हम धरने में बैठे हैं कब से और बच्ची अंदर कल से पड़ी है, कोई यहाँ मोर्चरी में है, कल से कोई आज सुबह से कोई भी यहाँ आके देख के नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जो रिपोर्ट दी है उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। बच्ची की लाश को देर रात जो है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रूम में शिफ्ट कराया गया था, अभी पोस्टमार्टम है, उसके परिजनों से वार्ता चल रही है। तो आपको बता दें मामला सामने आया है सीकर में, जहां एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा जिसका नाम दिशा की मौत हो गई और इसमें मौत के बाद इस मामले के सामने आने के बाद लगातार जो विरोध के स्वर है वो उठ रहे हैं। परिजन थाने के बाहर बैठे लगातार कार्रवाई करने की, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कदम उठाने की मांग यहां पर कर रहे हैं। मृतका के परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर प्रताड़ित करने के साथ ही हत्या का भी आरोप लगाया है। दरअसल परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की भी यहां पर मांग की है और इन्हीं मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन का दौर है वो लगातार चल रहा है। दिशा माथुर क्लास में बैठकर हंस रही थी, ये बात स्कूल प्रबंधन ने कही है। इसके साथ ही टीचर ने डांटा, परिजनों को फोन कर इस बात की जानकारी दी। हंसने पर टीचर ने क्लास से निकाल दिया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से ये बात कही गई है और इससे दिशा स्कूल की चौथी मंजिल पर गई और वहां से कूद गई, यानी उसने खुदकुशी कर ली, ये बात स्कूल प्रबंधन की ओर से कही गई है। वहीं पर छज्जे पर कुछ देर बैठने के बाद दिशा ने छलांग लगा दी थी। दिशा माथुर क्लास में बैठकर हंस रही थी और इस दौरान शिक्षक ने उसे टोका, डांटा और बाहर निकाला। वहीं पर दिशा के परिजन कह रहे हैं स्कूल प्रबंधन ने उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया है। फोन पर पहले गिरने और चोट लगने की जानकारी दी थी। स्कूल पहुंचने पर परिजनों को पहले अस्पताल भेज दिया गया और इसके बाद अस्पताल में परिजनों को दीक्षा नहीं मिली। स्कूल लौटने पर मौत की जानकारी यहां पर दी गई थी। पहले अस्पताल भेजा गया, उसके बाद एक बार फिर से जब स्कूल पहुंचे परिजन तो इसके बाद उन्हें उसकी मौत की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग तमाम परिजन थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देश की सबसे पुरानी